नमस्कार, आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में फिर से स्वागत है। नेगेटिविटी से लोग बहुत परेशान रहते हैं। वो मुझसे अक्सर सवाल कर रहे हैं, मैम कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे कि हम एनर्जी प्रोटेक्शन में हमेशा रहें, वो टेक्निक बताइए। आज मैं जो टेक्निक हमेशा इस्तेमाल करती हूँ उनको बताऊँगी। यदि आप अपने कर्मा को क्लीन करते हो और पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये मेरी टेक्निक फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। जो लोग मुझसे क्रिस्टल्स मंगाते हैं, वो प्लीज़ यदि आपको क्रिस्टल मंगाए और आपको कुछ भी असर मिला है, चाहे वो मनी आपने मेरे से ब्रासलेट मंगाया हो, चाहे आपने मुझसे वॉन्ड मंगाई हो, यदि आप पे असर आया और आप मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मैम असर है, तो मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि हमको वॉन्ड मिली, मैडम ने 7 चक्रा वॉन्ड या 7 चक्रा माला आपने मंगाई और वो ओरिजिनल थी, उसका इम्पैक्ट हम पर आया और एकदम से हमारा जो काम नहीं हो रहा था वो हो गया। कोर्ट केसेस या अलग अलग केसेस में भी हमने वो क्रिस्टल मंगाया जब यहाँ मैडम से, तो वहाँ ये असर किया उसने। आप मुझे कॉल करके तो बताते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप यूट्यूब चैनल पर ये सब बातें लिखें जो आपने फील करी हैं, जैसे जो अदर लोग हैं वो लोग भी मंगाएं और उनके भी काम हों, क्योंकि एक नेकी यदि हम करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर्मा वो बना देती है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये वीडियो जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले, अब वो लोग जो प्रोटेक्शन चाहते हैं वो किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो किस तरीके से अपने काम बन सकते हैं, आज मैं उस टेक्निक पे बात करूँगी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं चाहूँगी आप सभी इस टेक्निक को फॉलो करें और डेफिनेटली चेंज आएगा। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी जो फर्स्ट स्टेप है जब आप स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ अपने आप को स्टार्ट बाय रिलैक्सिंग योरसेल्फ। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स कैसे करेंगे? कोई भी समय आपको मिलता है, प्लीज़ सब कुछ बातें दिमाग से भूलकर आप ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आपको शांति मिलती है। थोड़ी देर बैठें और रिलैक्स फील करें। सारी वरी, सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ की घर में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, कोई अदर प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको आप थोड़े समय के लिए भूल जाइए। ये टेक्निक आपको 5 से 7 मिनट करनी है, सुबह भी कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना वो बहुत शांत होता है, उस समय भी कर सकते हैं या कोई भी समय जो आपको 100% पॉजिटिव लगता है उस समय आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आप देखेंगे चेंजेस आएगा जैसे ही आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलैक्स आपको करना है, तो पहली टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, आपकी ब्रीदिंग की आप एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग से कनेक्ट होइए, कनेक्ट टू द ब्रीथ। जो आप ब्रीद लेते हैं, आप होल्ड कीजिए ब्रीथ को, गहरी सांस लीजिए, देन उस सांस को बाहर निकालिए और आप ये सोचिए मैं अपनी सारी वरी, सारी परेशानियों को निकलती हुई सांस के साथ निकाल रहा हूँ। फिर सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, मैं पवित्र शक्तियों को प्रणाम कर रहा हूँ जो हर पल हर क्षण मेरी मदद करती हैं। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी सांस छोड़िए, फिर बोलिए जो मेरा पार्टनर है, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उन सभी को माफ़ कर रहा हूँ और उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भी ऐसी गलती हुई हो तो वो लोग मुझे माफ़ करें। इस तरीके से आप ब्रीथ के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज करना शुरू कीजिए। रिलीज इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। क्षमा दोगे, क्षमा लोगे तो अपने आप ही बॉडी जो भी टॉक्सिंग आपने इकट्ठे कर रखे हैं वो रिलीज करना शुरू कर देगी। घर घर में आजकल कैंसर्स की प्रॉब्लम है, घर घर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रिलीज नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हो, आप सोचते हो जो आप करते हो बिल्कुल सही करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जब आप इनको रिलीज करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, कैंसर, जो बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं वो भी बॉडी से रिलीज होंगी। तो ये भी आप करना शुरू करो, तो ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है जो आपके लिए करेगी। गेट ग्राउंडेड। ग्राउंडेड कैसे? कोई ज़मीन पर कोई भी आसन या मैटिंग बिछा के आप बैठ जाइए, देन आप वहाँ बैठिए और फील कीजिए आप ग्राउंडिंग पे हैं। जो लोग बहुत अभिमान या बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, सोचते हैं मैं ही हूँ, मैं जो करूँगा वो ही हूँ, तो उन लोगों को मैं आज यही कहूँगी थोड़ा सा ग्राउंडेड होना सीखिए। ज़मीन पे बैठिए, वहाँ जाके एक ग्लास में पानी लीजिए, उस पानी को वहाँ रखिए, थोड़ी देर रिलीज़ कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उस पानी को
जमीन पर ही बैठ के आप पिए। जब आप ज़मीन पर बैठ के पिएंगे तो जो एक आपके अंदर जो अहम की भाव है वो निकलेंगे। बहुत से लोग हैं उन्हें पता है कि हमें नहीं करना चाहिए, ये अहम हमारे अंदर बहुत है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो भाव भी आपकी बॉडी से रिलीज़ होंगे। जब रिलीज़ होंगे, आप ग्राउंडेड होंगे तो अभिमान ख़त्म होगा। अभिमान ख़त्म होगा तो एक चमक, एक प्योरिटी आपके अंदर आएगी। और जब आप ग्राउंड पर बैठते हैं, ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठते हैं, तो उससे आपका रूट चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। आपको बोन्स की, जो लोअर बोन्स की प्रॉब्लम्स है, वो भी मैंने देखी है कि जब बैठेंगे उठेंगे तो एक प्रैक्टिस होगी। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हर व्यक्ति एक एज के बाद ये नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो 90% में सीधी हो जाती है, और जिससे वाइब्रेशंस जो आपके सहस्त्रार में है और जो आपके मूलाधार में है वो वहां से वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन है। तो यदि आप ऐसा भी करते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अमेजिंग चेंज आएगा। देन विजुलाइजेशन अ डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट कैसे, मैं कोट देती हूँ, यू आर जैसे कि ब्लेस मी या डिवाइन लाइट, तो इस तरीके के कोड भी आप बोल सकते हैं ज़मीन पे बैठ के। या आप ऐसा सोच सकते हैं, एक डिवाइन लाइट जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा या दिव्य प्रकाश है या दीपक का जो प्रकाश है वो मेरे अंदर विद्यमान है, उसकी प्रोटेक्शन में मेरी ऑरा है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। आप विजुलाइजेशन अपनी फैमिली का भी यह कर सकते हैं, अपने बच्चों का, कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है, मेरा जो पार्टनर है वो भी एक डिवाइन लाइट की प्रोटेक्शन में है, उसकी वो डिवाइन लाइट हमेशा सुरक्षा कर रही है। हमारे जो कुलाचार हैं, कुल देवी हैं हमारे परिवार की, वो रक्षा कर रहे हैं, वो डिवाइन लाइट की तरह मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, यदि आप लोग को पता है। तो इस तरीके की भी प्रार्थना आप डिवाइन लाइट के सामने कर सकते हैं। जब विजुलाइज करेंगे एक पॉजिटिव लाइट, या आप नहीं सोच पाते तो दीपक के प्रकाश के अंदर हमारा पूरा परिवार है जो प्रकाशमान हो रहा है, वो प्रकाश मेरे परिवार की, मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे पति की, या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन कर रहा है, तो ये भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब डिवाइन लाइट की डिवाइन प्रोटेक्शंस करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। देन आप अपने आप को सोचिए कि आप यू आर इनसाइड अ पिरामिड, जो पिरामिड होता है उसके अंदर है, या आप पिरामिड शेप का क्रिस्टल भी अपने सामने रख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। वो जो पिरामिड क्रिस्टल है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई भी ईविल आए, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी तंत्र यंत्र मंत्र मेरे पे कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा, क्योंकि मैं डिवाइन लाइट और पिरामिड की प्रोटेक्शन में हूँ। तो ऐसे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, ये आप एक प्रोटेक्शन के अंदर हैं। जब हम प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं तो एक मदर ऑरा के अंदर होते हैं। तो फील कीजिए एक मदर ऑरा जो हमारी क्रिस्टल की है, जो कि पिरामिड शेप में है, उसको सामने अगर रखेंगे तो और अच्छी एनर्जी होगी। नहीं तो एमेथिस्ट के क्रिस्टल्स आते हैं, उनको आप रखिए। अगर आप और अच्छा कर सकते हैं तो मैं कहूँगी बुद्धा स्टोन्स के, बुद्धा को सामने रख के आप प्रार्थना कीजिए कि उसकी विजुलाइजेशन, उसकी प्रोटेक्शन में हमें। तो पिरामिड का भी आप विजुलाइज करके कि मैं पिरामिड की प्रोटेक्शन में हूँ, इस तरीके से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। देन डिवाइन कनेक्शन विद अ चैनल ऑफ डिवाइन कनेक्शन, तो आप इसका भी फील कीजिए कि डिवाइन कनेक्शंस जो हैं, जो डिवाइन लाइट हैं, डिवाइन गुरुओं की हम आशीर्वाद है, जी आपके फॉलोअर्स हैं, या आपके पितृगण हैं, आपके देवगण हैं, आपके देवतागण हैं, वो मेरे परिवार की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हर परिवार के अंदर इस तरह के देवगण देवतागण होते हैं, कुल देवी कुलाचार होते हैं, तो वो उनकी मैं प्रोटेक्शन में हूँ, एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हूँ, और मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी छू नहीं सकती। आप ये प्रार्थना भी वहाँ पे कर सकते हैं और ये भी विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए मैं सारी ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, कोई भी एक दो, मैं ये नहीं कहूँगी आप सारी ही फॉलो करें, पर दो एक कोई भी आप जो ईजिली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें फॉलो कीजिए। और जब आप डिवाइन कनेक्शन से जुड़ते हैं तो जो लोग यहाँ रेखी से जुड़े हुए हैं ना, जिन्होंने रेखी सीख रखी है मुझसे, प्लीज़ उस वक्त जो रेखी के सिंबल्स मैंने दिए हैं, रेखी के तरीके सिखाए हैं, उनको एज अ डिवाइन कनेक्शन, रेखी डिवाइन कनेक्शन की तरह आप जुड़िए। जब रेखी डिवाइन कनेक्शन की तरह जुड़ेंगे तो विजुलाइजेशन करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये भी आप सोचिए और इसको सोचते हुए अपनी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाइए। आज मैंने आपको इतने सारे तरीके बता दिए, कोई भी तरीका फॉलो कीजिए, रेखी ज्ञान से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच।